नमस्कार स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नॉमिनल टी मेथड के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि भाई मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हमारे पास है और उसमें हमें कैपेसिटेंस की इफेक्ट को कंसिडर करना है, तो हम तीन तरीके से कर सकते हैं। उसमें पहला तरीका था एंड कंडेंसर मेथड के बारे में, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। उसका सिंगल लाइन डायग्राम देखा, सर्किट डायग्राम देखा, फिर उसका फेजर डायग्राम हमने ड्रॉ किया और एबीसीडी पैरामीटर फाइंड किए। नॉमिनल टी मेथड के बारे में भी हम आज एबीसीडी पैरामीटर और उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इज नॉमिनल टी मेथड? सो इट इज एज्यूम्ड दैट द इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस इज कंसंट्रेटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। सो दिस इज अवर ट्रांसमिशन लाइन एंड वी आर एज्यूमिंग दैट अवर शंट कैपेसिटेंस और द शंट एडमिटेंस इज कंसंट्रेटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस और जो इंडक्टेंस है आर डिवाइडेड इनटू हाफ। दैट इज व्हाई योर इम्पीडेंस विच इज इन सेंडिंग एंड साइड इट इज जेड बाई टू एंड हाफ ऑफ द इम्पीडेंस विल बी जेड बाई टू एट द रिसीविंग एंड साइड। ओके, सो वी आर एज्यूमिंग दैट अवर शंट एडमिटेंट इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द पॉइंट योर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, दिस इज फॉर योर इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ योर नॉमिनल टी मॉडल। ओके, सो हियर वी एस इज योर सेंडिंग एंड वोल्टेज, आई एस इज योर सेंडिंग एंड करंट, आई आर एंड वी आर इज योर सेंडिंग एंड करंट एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली। योर आर इज रेजिस्टेंस एंड इट इज आर बाई टू एंड एक्सएल बाई टू एंड दैट इज वाई दिस इज जेड बाई टू, दैट इज नथिंग बट आर बाई टू प्लस जे एक्सएल बाई टू। Here the shunt admittance is Y, okay, your shunt admittance is Y, the current through this branch is let's say it is I1 and voltage across this branch is let's say V1, okay. So from this equivalent circuit of your nominal T method, we can easily find your ABCD parameter. ABCD parameter is nothing but your representation of your sending end voltage and sending end current in terms of रिसीविंग एंड वोल्टेज इन रिसीविंग एंड करंट। ओके, सो इस लूप में अगर हम KCL लगाएंगे तो इस लूप का इक्वेशन क्या बनेगा, तो VS की वैल्यू में अगर निकालनी है तो VS इज इक्वल टू क्या बनेगा, वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच दैट इज V1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन दिस ब्रांच। ओके, सो VS इज इक्वल टू वी कैन राइट दिस वोल्टेज अक्रॉस दिस इज गिवन बाय V1 प्लस वॉट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच, इट इज नथिंग बट your impedance multiply by the current, so Z by 2 multiply by IS. Okay, so this is the equation of VS. Is it in terms of VR and IR? VR or IR ke term mein hai equation? Nahi hai. Dekho, yahan pe V1 hai, IS hai. Iska matlab hai, hume V1 ki value find karni hai aur IS ki bhi value find karni hai. Usko hum yahan pe rakhenge to wo kuch VR aur IR ke term mein aa sakta hai, theek hai? तो V1 क्या बनेगा, तो यहां पे हम लेट से इस लूप में आप KVL अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो V1 की वैल्यू क्या मिलेगी, V1 इज इक्वल टू योर रिसीविंग एंड वोल्टेज VR प्लस व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस ब्रांच, इट इज नथिंग बट Z2 मल्टीप्लाई बाय IR, क्योंकि यहां पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, IR, ठीक है। तो ये आपकी V1 की वैल्यू मिल गई, अगर आप यहां पे रखोगे तो इसमें भी VR है और IR है, तो इक्वेशन हमारा VR एंड IR के टर्म में बन जाएगा, लेकिन यहां फिर भी IS है तो IS की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी ही है। ओके, बिकॉज VS और IS दोनों की वैल्यू VR और IR के टर्म में चाहिए, तो IS की तो हमें करनी ही है। तो IS फाइंड करने के लिए लेट अस अप्लाई योर KCL एट दिस पॉइंट, यहां पे आप KCL अप्लाई करेंगे तो इनकमिंग करंट दैट इज IS इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट इज IR एंड IC, सो IR प्लस IC वो क्या बनेगा हमारा IS। अब IR एज इट इज रखो, IC की वैल्यू क्या बनेगी, तो इट इज नथिंग बट शंट एडमिटेंस मल्टीप्लाई बाय योर वोल्टेज अक्रॉस दिस ब्रांच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ IC। ओके, सो Y इनटू V1। ओके, नाउ हमारे पास V1 की वैल्यू तो पहले से ही फाइंड करी हुई है, तो ये V1 की वैल्यू यहां पे रख दो, क्योंकि हमें IS का इक्वेशन किसके टर्म में चाहिए, VR एंड IR के टर्म में, तो ये V1 का इक्वेशन VR एंड IR के टर्म में है, तो इसकी वैल्यू यहां पे रख दो तो ये आपका इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके आप IS की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है।
सो वो आई एस की वैल्यू क्या रहेगी, आई एस इज इक्वल टू वाई बी आर प्लस आई आर वन प्लस वाई जेड बाई टू। ओके सो यहां पे मैं लिखू आई एस इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, सी वी आर प्लस डी आई आर। तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी y और d की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस वाई जेड बाई टू। ओके अब हमारे पास जो वी एस का प्रीवियस इक्वेशन था वो क्या था, वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस, यहां पे आप देख सकते हैं वी एस का इक्वेशन कौन सा था, वी वन प्लस जेड बाई टू इंटू आई एस। ओके यहां पे हमें वी वन की वैल्यू पुट करनी थी और यहां पे आई एस की जो हमें यहां पर मिली है, तो वी वन और आई एस दोनों की अगर हम वैल्यू इक्वेशन में रखेंगे तो मिलेगा ये वी आर इज वी एस इज इक्वल टू वी आर प्लस आई आर मल्टीप्लाई बाय जेड बाई टू प्लस आई एस मल्टीप्लाई बाय जेड बाई टू। ठीक है अब आई एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट यहां पर करी हुई है, ये वैल्यू यहां पर रख दो और इसको सिंप्लीफाई करो तो आपको वी एस का इक्वेशन मिलेगा इन द टर्म ऑफ वी आर एंड आई आर। ओके सो हमारा टू पोर्ट नेटवर्क का इक्वेशन क्या है, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर। ठीक है तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करो आपको ए वैल्यू मिल जाएगी, ए पैरामीटर दैट इज वन प्लस वाई जेड बाई टू और बी पैरामीटर की वैल्यू मिलेगी वो है जेड वन प्लस वाई जेड बाई फोर। ठीक है सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू डी बिकॉज यहां पे ए की वैल्यू आप नोटिस करो और डी की वैल्यू नोटिस करो वो आर सेम, सो वी कैन राइट ए इज इक्वल टू डी दैट इज वन प्लस वाई जेड बाई टू एंड फ्रॉम दिस वी कैन राइट योर नेटवर्क इज सिमेट्रिकल नेटवर्क। ओके सो वेन ए इज इक्वल टू डी योर नेटवर्क इज अ सिमेट्रिकल नेटवर्क। सेम यू कैन सी बी इज इक्वल टू योर जेड वन माइनस वाई जेड बाई फोर एंड सी इज इक्वल टू वाई। ऑल्सो वी हैव टू चेक ए डी माइनस बी सी, सो वी नो ए इंटू डी बोथ आर द सेम थिंग सो इट विल बी वन प्लस वाई जेड बाई टू ऑल स्क्वायर माइनस योर बी, बी इज नथिंग बट जेड वन प्लस वाई जेड बाई फोर मल्टीप्लाई बाई सी दैट इज वाई ओनली सो दिस इज वाई जेड। ओके अब इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, इफ यू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस टर्म एंड सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन यू विल गेट वन आंसर। ओके सो इफ यू सॉल्व दिस AD माइनस BC इज ऑल्सो इज इक्वल टू वन, इट मीन्स योर नेटवर्क इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क। So from the equivalent circuit you can see, you can identify that your network is symmetrical और आपको यहाँ पे मिल रहा है कि AD minus BC भी वन हो रहा है, इसका मतलब आपका network reciprocal है। अब vector diagram की बात करें तो वही पुराने equation हमें use करना है। ठीक है receiving end voltage को हम ले रहे हैं reference के लिए, step by step समझाऊंगा, आप ध्यान रखना आप easily समझ जाओगे कि vector diagram draw कैसे करते हैं, दिखने में भले भयानक लगे लेकिन आप easily draw कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे हमने reference लिया है VR को, ठीक है उसी तरह से हमारा करंट क्या होगा IR cos phi R माइनस J sin phi R, ये कैसे रहेगा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था आप वहां पे देख ले। ठीक है अगर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड करना है इट मीन्स हमें वी वन की वैल्यू फाइंड करनी है, वी वन इज नथिंग बट योर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ओके यहां पे देखो आप ये वी वन क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इक्वेशन आपका क्या बनेगा, वी एस इज इक्वल टू वी वन प्लस जेड टू आई एस। यहां पे जो है वही इक्वेशन बनेगा ना, वी वन इज इक्वल टू वी आर प्लस जेड बाई टू आई आर। ओके यहां पे मैं बात करूं V1 की वैल्यू निकालनी है तो क्या मिलेगा, वी आर प्लस जेड बाई टू इंटू आई आर। ओके आई होप इट इज विजिबल टू एवरीबडी, सो वी वन इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है रिसीविंग एंड साइड वो, तो ये आपका हो गया, तो इसे मुझे ड्रॉ करना है सबसे पहले तो। ओके इससे पहले आपको पता है योर सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू योर आई सी
प्लस आई आर. ओके, हियर यू कैन सी योर सेंडिंग एंड करंट इन दिस ब्रांच इज इक्वल टू करंट इन दिस ब्रांच प्लस करंट इन दिस ब्रांच. सो आई सी प्लस आई आर. एंड ऑल्सो यू कैन राइट योर आई सी इज इक्वल टू वाई इन टू वी वन प्लस आई आर. ओके, सो वी नो दैट. सो हमारे पास आई आर तो हमने ड्रॉ कर दिया था बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट आवर लोड इज ए लैगिंग पावर फैक्टर, हैविंग लैगिंग पावर फैक्टर. सो वी आर इन आई आर हमने ड्रॉ किया है. हमारा करंट रहेगा वो कैपेसिटिव करंट है, सो इट विल बी लीडिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो हमें सेंडिंग एंड करंट की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करना पड़ेगा, आई सी एंड आई आर का फेजर सम करना पड़ेगा. तो आई आर ये रहा हमारा, आई सी यहां पे है, तो इसका और इसका सम करेंगे तो इसको मैं यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का सम करेंगे तो हमें ये आई एस वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, और आई एस वेक्टर और हमारा जो सॉरी आई आर वेक्टर और हमारा जो वी आर वेक्टर है उसके बीच का एंगल क्या रहेगा हमारा, फाइ आर, दैट इज योर पावर फैक्टर एंगल. ओके, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, वी वन की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले. अवर अल्टीमेट गोल इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी एस, बट टू फाइंड आउट द वी एस वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी वन. सो वी वन की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे. कैसे करेंगे, हमें पता है वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर, दैट इज वी आर प्लस जेड बाई टू इन टू आई आर. अब जेड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं आर प्लस जे एक्सएल से, और रेजिस्टेंस को अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इस करंट के. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आई आर मल्टीप्लाई बाई आई आर. सो आई आर का फेजर है उसके फेज में होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो. सो वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल फेजर. ओके, सो दैट इज नथिंग बट आई आर मल्टीप्लाई बाई आर बाय टू. और जब इस रिएक्टेंस की बात करेंगे तो इट विल बी 90 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन देम. सो दैट इज योर आई आर एक्सएल बाय टू. ओके, इज इट अंडरस्टैंड. सो इस दोनों का टोटल होगा ये हमारा Z. सो इफ यू जस्ट एड दिस फेजर एंड दिस फेजर यू विल गेट योर आई आर इंटू जेड बाई टू. सो वी आर प्लस आई आर इंटू जेड बाई टू इज इक्वल टू वी वन. सो यहां पे जो हमारा ये डॉट लाइन वाला फेजर है, डॉटेड लाइन वाला, वो कौन सा है, वी वन. ओके, सो वी वन हमें मिल गया. अब वी एस फाइंड करना है तो क्या है, वी वन प्लस Z by 2 into IS. Now this time the current will be sending end current. Okay, you just check the previous equation of VS. This is V1 plus Z by 2 into IS. Now हमारे पास V1 तो है ही. अब क्या करना है, Z by 2 multiply by IS phasor find करना है. So this Z is nothing but again R plus jXL. So this will be in phase with your current IS. Now in that case your This phasor will be in phase with this current. Previous case में क्या था, ये phasor था वो इस current IR के parallel में था, क्योंकि वो वाला current है, ये sorry voltage drop है, will be in phase with current IR because यहाँ पे IR है और यहाँ पे current IS है. So इन दोनों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, same तरीके से आप ये वाला voltage drop IS XL by 2 भी draw कर सकते हैं और उसका टोटल क्या होगा, आई एस जेड बाई टू. सो नाउ वी कैन नो दैट वी एस इज नथिंग बट वी वन, दैट इज दिस डॉटेड लाइन, प्लस जेड बाई टू इंटू आई एस, दिस इज इक्वल टू योर वी एस. सो इन दैट वे स्टेप बाय स्टेप यू कैन ड्रॉ द फेजर डायग्राम और द वेक्टर डायग्राम ऑफ नॉमिनल टी मॉडल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड आउट द वोल्टेज रेगुलेशन एंड ट्रांसमिशन एफिशिएंसी. सो एग्जांपल में क्या रहेगा, आपको रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ होगा. ठीक है, आपको आईसी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, आपको बाद में आईएस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. ठीक है, उसके हिसाब से आप ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि हमारा परफॉर्मेंस ऑफ योर मीडियम वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन आप फाइंड कर सकते हैं. ओके, ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इजी, जस्ट वी हैव मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड दिस थिंग. ओके, सो आपको आई होप ये फेजर डायग्राम समझ में आ गया होगा. अगर इसमें कोई डाउट है एबीसीडी पैरामीटर फाइंड करने में या फिर फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो जहां पे हम बात करेंगे नॉमिनल पाई मेथड के बारे में. ओके, थैंक यू.